नमस्कार, जय हिंद देशवासियों। मैंने कल एक ट्वीट किया था कि मैं इस सर्वोच्चतम न्यायालय के जजों को चुनौती देता हूं कि मुझ पे कोर्ट की अवहेलना का मुकदमा चलाएं, लेकिन वो मुकदमा नेशनल स्टेडियम में चलाएं, खुले में, और पांच जजों की बेंच नहीं, अपने सारे जजों को बिठा लें और उस मुकदमे की लाइव टेलीकास्ट करें। तब जब मैं खुलासे करूंगा ना, इनमें हिम्मत नहीं है कि ये खुले के अंदर इस तरीके से मुझे सम्मन करके और मुझ पे कॉन्टेम्प्ट का केस चलाएं। और ये तथाकथित न्यायमूर्तियों, चिंता मत करो, वो दिन दूर नहीं है अगर तुम्हारी मनमानियां इस तरीके से चलती रही तो जनता तुमको अपनी पंचायत में खड़ा करेगी, जनता तुम्हारे पे निर्णय लेगी। आज इन्होंने न्यायालय को अराजकतावादी सोच का आलय बना दिया है। क्या मजाक बनाया है इन्होंने प्रजातंत्र का? कितना आसान कर दिया अपराधियों के लिए, सारे अपराधी भयंकर से भयंकर, पहले भी चुनाव लड़ते, जेल से चुनाव लड़ते, अब सब कहेंगे हमें बेल दे दो, हमें पैरोल दे दो, हम कैंडिडेट, हमें चुनाव में लड़ना है। देखो भाई, अगर कोई 9 बार सम्मन मिलते हैं ईडी के और पेश नहीं होता, वो इनके लिए अपराध नहीं है? अरे इनके एक सम्मन पे अगर कोई कोर्ट नहीं जाता ना, तो ये गिरफ्तारी का वारंट भेज देते हैं। यहां कहा गया इनका कानून, पर नहीं, ये माय लॉर्ड हैं, इनकी मनमानी चलेगी। किस किस तरीके की ये व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं मुकदमे के दौरान, किसने दिया है जजों को अधिकार व्यक्तिगत टिप्पणियां करने का? कौन सा कानून कहता है कि जज व्यक्तिगत टिप्पणियां कर सकते हैं? पर नहीं, ये व्यक्तिगत टिप्पणियां करेंगे कि नूपुर देश ने सारे देश में आग लगा दी। अरे आग तो तुम लगवा रहे हो इस देश के अंदर, अपराधियों को जेल से छोड़ करके, उन्हें अराजकता फैलाने का पूरा मौका दे करके, और जिन पे विशेषाधिकार है उनको तुम छोड़ दो। वो प्रशांत भूषण को सिर्फ 1 रुपए में छोड़ दिया था। क्या मजाक तुम बनाते? आतंकवादियों की फांसी के लिए रात को 12 बजे भी कोर्ट खोल दोगे अपने घर पे, और गरीब आदमी सालों तक पिसता रहे, दुहाई करता रहे, उसकी तारीख पे तारीख लगती जाएगी। अरे मत भूलो, तुम हमारे टैक्स के ऊपर तनख्वाह पाने वाले वैसे ही नौकर हो जैसा कि नौकर मैं हूं जहां पे मैं नौकरी करता हूं, लेकिन तुम पे कितना पैसा है ये डिक्लेयर नहीं करोगे? क्या क्या सुविधाएं तुम्हें मिलती हैं? किस बात की भाई? वो तुम नहीं करोगे। आतंकवादियों तक को बचाते हो? क्या निर्णय दिया है दिल्ली हाईकोर्ट ने कि बिन लेडन की तस्वीर रखना, आईएसआईएस का झंडा रखना
किसी को आतंकी साबित नहीं करता है। अरे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजो, अब की बार जब छुट्टी मनाने जाना ना अमेरिका, या तुम्हारा कोई रिश्तेदार जाए, परिवार का आदमी जाए, मित्र जाए, उन सबकी टी शर्ट के ऊपर ना बिन लेडन की फोटो चिपकाना और अपनी अटैची पे आईएसआईएस का झंडा और वो लेके उतरना न्यूयॉर्क के या जेएफ कैनेडी एयरपोर्ट के ऊपर, तब देखेंगे अमेरिका तुमसे क्या व्यवहार करता है। तब तुम समझ आएगी कि बिल लेडन की तस्वीर एक मानसिकता है आतंकियों की, केवल तस्वीर नहीं है, और जो उसको रखता है वो आतंकी मानसिकता का व्यक्ति है। लेकिन तुम उसको छोड़ दोगे, न्यायमूर्ति हो तुम, न्यायमूर्ति, वाह भाई वाह, ऐसी न्याय की मूर्ति हमने नहीं देखी। अंधी है ना तुम्हारी मूर्ति न्याय की, टांगे रखते हो ना वो तराजू अंधे वाला, और वो अंधापन तुम्हारा जो है ना सिर्फ उन अपराधियों के लिए अंधा है जिनके विशेष अधिकार है। गरीब आदमी के लिए वो अंधा नहीं है, गरीब आदमी को तो सजा से बड़ी सजा दे देगा, किसी गरीब को पेरोल नहीं मिलेगी, बेल नहीं मिलेगी, करोड़ों का घपला होने में भी नेशनल हेरल्ड में बेल मिल जाएगी, ईडी का विरोध करने पे बेल मिल जाएगी। वो कहां है नेशनल हेरल्ड का केस, उसकी तारीख क्यों नहीं लगती भाई, क्यों? चोर चोर कहने वाले को तुम छोड़ देते हो, कोई मोदी जाति के ऊपर टिप्पणियां करता है अभद्र उसको भी तुम छोड़ देते हो, लेकिन कहलाते हो तुम वो न्याय की मूर्ति। अरे एक ऑर्डर एक ही बार में निकाल दो ना, ये इतना समय खराब करने की क्या जरूरत है, एक ऑर्डर निकाल दो कि जिसने भी जो अपराध किया है वो सीधा हम पे आ जाए, उसके बेल के ऑर्डर हमने तैयार रखे हुए हैं। क्यों भगाते हो ईडी को, क्यों भगाते हो सीबीआई को, क्यों भगाते हो एनआई को? आतंकवादी अपने को रजिस्टर करा ले आगे तुम्हारे पास, भ्रष्टाचार के रजिस्टर करा ले अपने को तुम्हारे पास, कातिल आके रजिस्टर करा ले अपने को तुम्हारे पास, हां भाई तुम पर रजिस्टर हो गया है, दे दो बेल, दे दो बेल, दे दो बेल, लगाओ छप्पे। अरे क्या कभी तुमने अपने यहां पूरे न्याय संगठन में भारत के जो भ्रष्टाचार है उसकी जांच करवाने की कोशिश की है? एक छोटे कोर्ट से लेके ऊपर तक जो रिश्वत चलती है, वकील कौन सा किया जाए, कौन सा वकील है जिसके साथ संबंध है, साठ गांठ है, कौन सा वकील है जो निर्णय हमारे पक्ष में ला देगा? ये होता है तुम्हारी खुलेआम तारीख लगवाने के लिए रिश्वत चलती है। क्यों भाई बार बार तारीख पर तारीख क्यों लगवाते हो, हिस्सा मिलता है क्या तुम्हें? आज हमें इस देश में देशवासियों न्याय की महापंचायत चाहिए, अंग्रेजी सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहिए, हमें पंच परमेश्वर चाहिए, हमें माय लॉर्ड नहीं चाहिए। खड़ा करिए इस देश के अंदर एक आंदोलन, इन्हें बता दीजिए कि ये भी केवल उस नौकरशाही का एक हिस्सा है जो हमारे टैक्स पे बनती है, जनता के टैक्स पे बनती है, लेकिन इनके लिए तो संसार में बाजे ढोल कि दुनिया मेरी तरह है गोल, कि पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। जय हिंद।